हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिन और रात सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ एबिस वर्ल्ड के साथ। तो जी हाँ जी गाइस, एबिस वर्ल्ड में एक मरतबा फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और यहाँ पर हैं जी इस वक्त हम अपने घर से बाय और एबी से थोड़ा सा दूर। तो गाइस यहाँ पर जो आज कराची के वेदर ने चेंजेस पकड़ी, इतनी गर्मी के बाद के वेदर ने जब कमाल चेंजेस पकड़ी तो गाइस मज़ा आ गया। और बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई कि गाइस हमारा तो प्लान ही जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। तो हम जहाँ पर घर से बाहर थे वहाँ पर हम घर पर आ चुके थे, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो बस जल्दी से क्या किया जी गाइस, एंजॉय करके आ चुके थे हम अपने घर पे। तो हम कहाँ थे गाइस, तो ये है जी टॉप सीक्रेट। तो ये है जी आगे हमारे घर की वीडियो जहाँ पर हम आ चुके थे। तो ये बारिश के बाद जो प्लांट्स में फ्रेशनेस आ गई थी और एक अच्छा सा उनका ब्राइट ग्रीन कलर खिल के सामने आ चुका था, तो गाइस वो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें, आपको दिखाते चलें। और फिर घर पर आके गाइस हमने आपको अपने घर की से भी जो है आसमान का रिव्यू करवाया कि बादल देखिए किस कदर बने हुए थे, किस कदर बादल बने हुए थे। और बारिश हुई बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके एरिया में कैसी बारिश हुई और कितनी ज़ोर से हुई, कितनी तेज़ बारिश हुई, ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर जी देखिए वेदर कितना 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 क्लाउडी हो रहा था और क्लाउडी के साथ साथ रेनी भी हो चुका था। तो रेन हो चुकी थी गाइस। तो फिर हमारा कुछ मूड हो गया अपने, जब घर पर हम लोग आए तो हमने जी बहुत मज़ेदार से पकौड़े इन्जॉय किए। पकौड़े बन रहे थे गाइस, तो वो आगे चल के हम आपको पकौड़े भी दिखाएंगे। पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाएंगे लेकिन आपको इस बारिश में, इस कराची की बारिश में जो कि होती है कभी कभी, तो जी हाँ जी गाइस जो कराची की बारिश है होती है कभी कभी, आप भी बताइए आपके एरिया में कैसी हुई है बारिश, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर बन रहे थे जी गाइस पकौड़े, बहुत मज़े के बने थे। तो आपने देखा सबसे पहले फ्राई होते हुए, फिर उसका बैटर, हमने पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर की लेकिन गाइस ये छोटा सा एक व्लॉग था जो बहुत मज़े का, काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि पकौड़ों का भी इंतज़ार हो रहा था गाइस, ऐसा है कि बारिश का बहुत इंतज़ार हो रहा था। तो बस साथ मौके पे चौका लगते हुए पकौड़े भी बन गए और चाय का जो आज आगे आप कलर देखेंगे ना गाइस, कलर चेक कीजिए गाइस चाय का, बहुत अच्छी चाय, बेहतरीन चाय जो होती है ना वो बनी थी। और बहुत मज़ा आया इस बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े का जो कराची में कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट है और बहुत मज़ा आया रेनी वेदर में। आपकी रेनी वेदर कैसा गुजरा जी गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी गाइस एबी पकौड़े इंजॉय कर रही थी और अपने पैरेट्स के साथ जो है बैठी हुई थी, अपनी बजेस के पास बैठी हुई थी, खेल रही थी उनके साथ 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 इंजॉय कर रही थी पकोड़े। और एबी को भी बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े खाना, एबी को भी बहुत पसंद है और एबी बहुत शौक़ से खाती है पकोड़ों को। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि किस किस ने जी कराची के इस मौसम में पकोड़ों को इंजॉय किया और अपनी बारिश कैसे इंजॉय किए। तो ये साथ साथ जी खाने का निज़ाम चल रहा था और साथ साथ जी फ्राई होने का, पकने का भी। तो जी हाँ जी गाइस यहाँ पर साथ साथ बस बनता जा रहा था और खाते जा रहे थे, बस ये सिस्टम चल रहा था। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को नहीं दबाना भूलना। तो आगे आपसे थोड़ी सी बात करेगी जी एबी और एबीज वर्ल्ड आपसे बात करेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, आगे इंजॉय कीजिए एबी की बात को। तो गाइस मैंने खाने पकौड़े अपने और साथ में पी है चाय और अभी बारिश हो रही है तो मैं करता हूँ एंजॉय और फुटबॉल खेलता हूँ। तो आप लोगों का रेनी डे कैसा गुजरा आप लोग वीडियो में कमेंट में बताइए। तो चलिए गाइस अभी करिए एंजॉय, तो वीडियो को इधर देख के इधर देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके बाय बाय। तो जी हाँ जी गाइस।